नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाई सावित्री में। एक घी है और आटा है। एक कटोरी आटा मैंने लिया है, मोहन लगा दिया है। इसका मैं कुछ बनाना चाहती हूँ। आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या बन रहा है। आटा लगेगा टाइट, पूड़ी पराठे से थोड़ा और टाइट लगेगा। हल्का सा मोमन लगाया। देखिए इसको खूब बढ़िया से मल लिया है, ये चिकना हो गया है। देखिए अब इसकी हम बनाएंगे 3 लोई बड़ी बड़ी। इसे बना के रख देंगे। थोड़ा आटा लगा लिया है, ये गेहूं का आटा है, इसका ही हम बनाएंगे। इसे थोड़ा मोटा रखेंगे। देखिए ऐसे ही हम और बाकी देखिए मैंने ये तीनों बेल लिए। अब गैस पर चढ़ा दिया है ये तवा। तवा गर्म हो गया है, डाल दिया। ये सिकेगा अभी, फिर इसमें हम घी लगाएंगे। इस साइड भी घी, अच्छा सा घी बढ़िया। और आटे में भी घी लगाया था वो गर्म पानी से, सर्दियां हैं तो घी जमा रहता है, इसलिए गर्म पानी से आटा लगाओ। आप घी गर्म करके डालें फिर भी आपको सर्दियों में गर्म पानी से आटा लगाना ही पड़ेगा। अब ये सेक रहा है, इसको बस इतना ही सेकना है, ज़्यादा नहीं करना है। इसमें ये चित्ती पड़ गई हैं, निशान पड़ गए हैं, इतना ही बहुत है। इसको हम उठा लेंगे। ये दूसरा डाल दिया है, ऐसे ही मैं और एक बना रह गया, वो भी ऐसे ही सेक लेंगे। ये पराठा सिक गए, मैंने कम से सेके हैं, ऐसे ही सेकना चाहिए ताकि मुलायम रहे। और आपको मेरे ठंडे हो गए हैं क्योंकि मुझे जल्दी नहीं थी। आपको यदि जल्दी है, कभी ऐसा है कि कभी कभार जल्दी होती है, तो आप पराठा को ऐसे रखिए चकला पर और बेल दीजिए ऐसे। ऐसा करने से ये जल्दी तो ठंडा हो जाएगा और देखिए आपके हाथ भी जलने से बच जाएंगे। देखिए बेल गया, ये टूट गया पूरा, आपके हाथ बच जाएंगे जलने से। देखिए ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये मेरे ठंडे हो गए। आप और ठंडे हो जाते हैं तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, और जल्दी हो तो आप बेलन से कर सकते। देखिए इसका ये चूरमा बन गया है। अब इसको हम घी में भूनेंगे, कढ़ाई में डाल के इसे घी में। देखिए ये शुद्ध देसी घी है, 2 चम्मच डाल दिया इसमें। इसमें अब हमें इसको डाल, इसको धीमी आंच में भूनेंगे। ये भून रहा है, बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें, सौंधी सौंधी। बस 1-2 मिनट और लगेंगे, एकदम से कलर चेंज कर देगा। आप ऐसे बनाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी, सभी खाएंगे इसे। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये भुन चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसमें बढ़िया खुशबू आ रही है। सेम कढ़ाई में गरम पानी डाल दिया, और ये गुड़ मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये गुड़ डाल दिया, अब इसको गरम होने दे। देखिए गुड़ और पिघल गया है पूरा इसमें, देखिए उबल रहा है।
अब हम ये डालेंगे चूरमा जो अभी बना करके रखा है, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसको धीमे धीमे ऐसे ही पकाते रहेंगे। देखिए जितना जितना मैंने बताया है आप ऐसे करेंगे तो आपका ये कभी भी ज़्यादा ना गाढ़ा होगा ना ये पतला होगा। अब इसमें हम डालते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले ये ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर, ये तो गुड़ में बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक किशमिश है, काजू, पिस्ता, बादाम इसमें मैंने, और चिरौंजी सब पीस लिए हैं भूंज के, तो वो भी इसमें डाल दिया है। देखिए अब इसको थोड़ी और मिल जाने देते हैं पूरे में, इसका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे कैसा बनता है। आप तो इसे फटाफट से बना लेंगे। आप लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए बन चुका है, देखिए। और ये हलवे के साथ बिड़ई आप खा सकते हैं। आप लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। राधे राधे।